आज विश्व योगा डे है और विश्व योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए सरकार ने भारी भरकम खर्चा किया है और पूरे देश में जगह जगह पर सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री योगा कर रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस वक्त जब बिहार में अब तक 200 बच्चे मर चुके हैं, ऐसे में सरकार उनकी दूध क्यों नहीं लेती? अगर जो सरकार योगा पे खर्च कर रही है वो बच्चों पर भी तो खर्च कर सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि जो पैसा योगा के प्रमोशन पर खर्च किया है वो बच्चों पर करते, बच्चों के लिए अलग से करते, पैसे की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो नीयत की। जाहिर सी बात, अब इलेक्शन हो गया, अगर अब 200 या 2000 बच्चे भी मर जाएंगे तो सरकार सुध नहीं लेगी। जब बिहार में इलेक्शन आ जाएगा उसके 3 महीने पहले सरकार एक्शन मोड में आएगी, या फिर देश में इलेक्शन होगा उसके 3 महीने पहले सरकार एक्शन मोड में आएगी। सरकार किसी की भी हो, इस देश में यही होता है। जाहिर सी बात है, 200 बच्चे मरने के बाद प्रधानमंत्री जी के पास एक बार भी बिहार जाने का वक्त नहीं था, लेकिन शिखर धवन चोटिल हो गए, ये ट्वीट करने का वक्त था फिर प्रधानमंत्री जी के साथ पास। और इस उनके कदम की काफ़ी आलोचना हो रही है, इस ट्वीट की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है कि मोदी जी आपको शिखर धवन चोटिल हो गए, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का वक्त है ट्विटर पर, लेकिन जो बेचारे बच्चे मर गए उनका नाम भी नहीं, उनका नाम भी आपने ज़ुबान पर नहीं लिया, जबकि वहाँ पर NDA की ही सरकार है, आप ही की पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वहाँ पर गए थे, और जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बिहार से ही हैं, इसके बावजूद वहाँ पर 200 बच्चे मर गए। और ये कोई पहला बार नहीं हो रहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर है, अब से 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब भी BJP की ही सरकार थी। तो एक बात तो साफ है कि हॉस्पिटलों में ना तब कोई सुविधाएं थी ना अब कोई सुविधाएं हैं, और सुविधाओं के नाम पर बिहार से सिर्फ और सिर्फ छल हुआ है। बिहार में चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो चाहे नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार को छलाई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जो सरकारी अस्पताल है उनकी बद से बदतर हालत है। हालांकि सरकारी अस्पतालों की पूरे देश में बद से बदतर हालत है, लेकिन जब सरकार को पता है कि जब गर्मी आती है तो इन इलाकों में चमकी बुखार भी आता है, तो ऐसे में भी अस्पतालों में बिल्कुल भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती। और अगर मंत्री बच्चों का हाल चाल जानने जाते हैं तो बीच में पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का स्कोर क्या है, यह देश है हमारा भारत, इतना संवेदनहीन इसमें नेता हैं, और जब नेता ही ऐसे हों तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, जब जनता ने चुना ही ऐसे नेताओं को है जो पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।